हापुड़ की जनपदीय साइबर सेल टीम ने फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लोन देने के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर उसमें बैंक इत्यादि की गोपनीय जानकारी भरवाकर मोबाइल का धोखाधड़ी से डाटा चोरी कर लोन के नाम पर छोटी मोटी धनराशि लोगों के खाते में ट्रांसफर कर लोन से अधिक राशि की वसूली करने के लिए उनकी फोटो को एडिट करके वायरल करने की धमकी देकर अवैध धन वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 आईफोन सहित 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 57,000 रुपये, 1 लग्जरी कार बरामद की है। इन फर्जी लोन ऐप का संचालन पाकिस्तान व अन्य देशों से किया जा रहा था। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। पुलिस और भी इनकी आपराधिक जानकारी जुटाने में लगी है। देखिए, आज हमारी साइबर क्राइम की जो टीम है उसने एक बहुत अहम गिरफ्तारी करी है। इसमें हमारे यहाँ एक हापुड़ नगर कोतवाली में एक FIR नंबर 310/23 रजिस्टर की गई थी IT एक्ट में 420 और 387 में। इसमें जो वादी हैं उन्होंने आरोप ये लगाया था कि उन्होंने एक स्मॉल लोन लिया था ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू, और उस लोन को रीपे करने के लिए उनसे एक्सट्रॉशन किया जा रहा था, डिमांड करी जा रही थी एक्सट्रॉशन की, जिसमें उनकी न्यूड फोटोज और ये सारी चीज़ें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। हमारे साइबर क्राइम की पूरी टीम ने इस पूरे केस को बहुत तह तक इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम प्रशांत, अभिषेक और जितेंद्र है। ये सभी कापासेड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पूछताछ में एक अहम चीज़ ये बताई है कि ये कुछ ऐप्स जैसे क्रेजी मंकी ऐप, टाका ऐप, कैश लोन ऐप, इंस्टा लोन ऐप, इस तरीके की ये ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिससे लोग स्मॉल लोन लेते हैं, जैसे 4,000-5,000 रुपए का लोन ले लेते हैं और उसको वापस करने के एवज में ये लोग उनसे एक्सट्रॉशन करते हैं कि आप अपना लोन समय से लौटा दीजिए, नहीं तो आपकी न्यूड फोटोज हम वायरल कर देंगे। इसमें बड़ी बात ये पता चली है कि जो ऐप्स का डेटा इनको प्रोवाइड होता था, ये डेटा बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू प्रोवाइड होता था। इसमें पाकिस्तान के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जो इनसे लगातार ऑनलाइन चैट के माध्यम से इनको अपना पूरा डेटा प्रोवाइड करता था और बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट इंडिया से पाकिस्तान भेजी जाती थी। इसमें जो शहजादा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, ये पाकिस्तान लाहौर का रहने वाला है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करके इनको सभी की डिटेल्स प्रोवाइड करता है, व्हाट्सएप की डिटेल प्रोवाइड करता है और फ्रॉड करने के लिए जो पैसे हैं वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। साथ में इनके पास से बरामदगी में जो लैपटॉप है, एक गाड़ी है, 4-5 मोबाइल फ़ोन हैं और अन्य कई चीज़ें बरामद हुई हैं इसमें। साथ में जो एक और अभी इनका मुख्य आरोपी है, जिन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट कराया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों से, वह भी फरार है। उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है और दबिश की कार्रवाई जारी है। देखिए, इनके 9 महीने के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स जो चेक हुए हैं, लगभग 25 से 30 लाख रुपए के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मिले हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने पिछले 3 महीने में लगभग 5.5 लाख रुपए पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो अभी क्रिप्टो करेंसी से सभी डिटेल्स ली जाएंगी। बिनांस नाम की कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी में इनका पेमेंट ट्रांसफ़र कराती थी, उससे